मैं तो राकेश को बोल रहा हूँ डायरेक्ट वन नाइट जाते कहीं दूर, और वो स्लाइस का ऐड नहीं करती कैटरीना कैफ, पैसा मैं कर रहा हूँ, ये मेरा शूट कर रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग गुड। तो अभी बज रहे सुबह के 9:36 और ये जो आपने वीडियो में देखा ये है तुलसी ऑयल, ये मेरी बुआ ने दिया था जो पौड़ी में रहती है, काफी अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो आज से मेरा काम है कि रोज सुबह सुबह पहले ये बड़े वाले पतीले में 2 ड्रॉप डालना और उसी को पीना। मैंने कल ना पतीले के नीचे जो हंडा है उसमें भी डाला था, बट पूजा दिव्या सोनाली किसी ने भी नहीं पिया। सो मम्मी ने मना किया वहाँ पे डालने, तो मैंने सिर्फ ऊपर डाला है। ऊपर जो डाला है वो मम्मी पापा मैं हम तीनों पियेंगे। और कल ना मैक्स को खाना देते वक्त हमने वही पानी दिया था, तो मैक्स 2 मिनट तक सिर्फ सूंघ रहा था, फिर उसके बाद उसने खाया, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दिया। बट तीनों बहनें वो लोग पी रहे ही नहीं है, इसका टेस्ट तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जब पीते है तभी थोड़ा सा स्मेल आता है तुलसी का, तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता होगा उनको। बट अगर आप बिना स्मेल किए डायरेक्ट ऐसे पियोगे कुछ टेस्ट नहीं है, मस्त है, बेस्ट फॉर कोविड, मतलब कोविड होने से बचा सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये यूज़ करें और पिए। बुआ वहाँ पर पौड़ी में यूज़ करती थी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बुआ से मंगा लिया। ये यहाँ पर मिलेगा कि नहीं पता नहीं, ये अराउंड 414 रुपीज़ का है इतना सा बॉटल, 2 to 3 लीटर 1 ड्रॉप में चल जाता है, तो वो कुछ 3 to 4 लीटर था, मैंने 2 ड्रॉप डाल दिया। और अगर आपको ये मिलता है तो आप जरूर बाय कीजिए, ये शायद से आयुर्वेदिक शॉप में मिल सकता है या तो पतंजलि शॉप में भी मिल सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो अगर मिलेगा तो ये जरूर बाय करना और ट्राई करना। कल गलती से रात को मैंने सोने से पहले 2 केला खा लिया था और रात भर मुझे इतनी खतरनाक खांसी हुई थी, गला दुख रहा था। सुबह उठते ही तुलसी का पानी और अदरक वाली चाय पी, अब एकदम मस्त लग रहा है। तो चलिए नाश्ता स्टार्ट करते। तो आज नाश्ते में है पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। मम्मी हाथ कैसे है अभी? ठीक हो रहा है क्या? फोड़ी आ रहा है? ये थोड़ा ऊपर ज्यादा नहीं, बैठ गए। दुख रहा तो नहीं है? पक्का ना? मम्मी को कल से पता नहीं क्या हो रहा था, हाथ में फोड़ी आ रही थी। 7-8 साल पहले मम्मी को पूरे हाथ में एकदम फोड़ी आ रही थी और मम्मी बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी। हमने सोचा वापिस वही हो रहा है क्या, कल थोड़ा सा दिख रहा था, अभी तो है नहीं। तो पूजा ने बोला था मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना, मम्मी ने तो कल ही मना कर दिया था, बट लकीली अभी पूरा ठीक हो गया, अभी बिल्कुल भी हाथ में नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ भाई क्या कर रहा है ये? बाप रे, इसको क्या बोलते हैं? हल। हाँ हल। ओ शिट। खंबे से मारेगा लगता कुछ। अच्छा क्यों उठाने वाला है? ओ भाई खतरनाक, पेट से उठा, नीचे भी नहीं बैठा, थोड़ा स्पेस है नीचे। ओ शिट। और खतरनाक उसको ऊपर से डालेगा मुंडी दे उसका। 790 किलो। ओ शिट। ये जो अभी आने वाला सीन है वो सीन देखने से पहले पापा डर गए, पापा सीधा अंदर। ओ शिट। ओ भाई खतरनाक। पापा चले गया। ओ शिट। मम्मी डर रही भी और हंस रही भी। अरे पापा किधर गायब हुए? पापा है कि नहीं? पापा दवाई पीने चले गए। ओ भाई सल्यूट टू दिस मैन। इसको भी तोड़ेगा, हाथ से तोड़ेगा। तोड़े पेट में रख के तोड़ेगा? नहीं, अपना हाथ भी। अरे बाप रे। पापा डर गए। बात नहीं पता है वो। बात नहीं के लिए तेरा हेलमेट। मतलब तेरा हेलमेट है बट अभी के लिए तेरा ही है। तो घर पर मैं ऐसे ही बैठा था फैमिली के साथ, मस्त टीवी देख रहा था और 1-2 दिन में मेरा प्लान बन रहा था कहीं जाने का, बट तब तक मुझे राकेश ने मैसेज कर दिया, आज वो फ्री था तो उसने बोला कि कहीं जाते घूमने। तो हम लोग ने अचानक में भयानक ऐसे ही
मालसेट घाट का प्लान बना दिया। अब पता नहीं हम लोग रात को कब आएंगे। इट्स 4:10 राइट नाउ और हम लोग अब भी निकल रहे हैं। आई मीन 4:30 तो बज ही जाएंगे। अब जाके पेट्रोल भराना है फिर हम लोग निकलेंगे। तो फटाफट मैं अपना पूरा स्कूटी का सामान सेट कर देता हूँ। और आज मैंने वही तुलसी ऑयल का पानी लिया है तो यही पियेंगे हम लोग। राकेश को पता ही नहीं था मालसेज घाट कहाँ है और उसका किलोमीटर सुनकर राकेश डर गया। तो अभी हमारा डिसाइड ही नहीं हो रहा कहाँ जाना है। इट्स 4:35 और हम लोग स्टिल सोच ही रहे क्या करना है क्या नहीं। अभी तक कुछ भी प्लान नहीं है। मैं तो एकदम फुल गेटअप रेडी होकर आया हूँ। इसका तो कुछ नहीं है ऐसे नॉर्मल आ गया। अब प्लान कैंसिल हुआ तो मुझे सब निकालना पड़ेगा। जल्दी सोच किधर जाना है। मैं तो राकेश को बोल रहा हूँ डायरेक्ट वन नाइट जाते हैं कहीं दूर और डायरेक्ट कल आएंगे। वैसे भी राकेश को तो कल शाम को ही ऑफिस, फिर भी उसे नहीं आना। कल वैलेंटाइन डे था रे, आज गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। रात में गायब हुआ मैं एक दिन, जॉब नहीं किया। तो घर पे बोल देना मेरा फोटो भेजना। ऐसा बाट लगा देगा तो मेरा एक दिन के लिए। गाइस मैंने नहीं, राहुल ने प्लान कैंसिल किया। पहले बोल लो, ये सब झूठ बोलेगा। अभी जो भी बोलेगा सब झूठ बोलने आ रहा है। राहुल ने प्लान कैंसिल किया, अभी मैंने इसको अच्छा ऑफर दिया। चलो जाते हैं मोमोज खाते, ये सबसे बेस्ट है। राकेश के बोलने के चक्कर में मैंने जो अंदर का इनर होता है, जो ये बैलेक्लावा है, वो दोनों भी गिल लेते हैं। वो फटाफट पहन के मैं रेडी होकर आया और अभी प्लान फुल्ली कैंसिल हो चुका है। हम लोग किधर भी नहीं जा रहे। तो इसने मुझे खुश रखने के लिए बोलता है मोमोज खाने जाते हैं। तो अभी हमारा प्लान बना है कि खारघर जाकर मोमोज खा के आते हैं। सो हम लोग वहाँ से सेंटर पार्क भी घूम कर आएंगे जो कि बहुत फेमस है। अरे पानी मेरे को चाहिए था। देखो वो स्लाइस का ऐड नहीं करती कैटरीना कैफ पे, सब मैं कर रहा हूँ, ये मेरा शूट कर रहा है। मैंगो पुदीना कुछ मिला है क्या इसके अंदर? क्या हो गया? धनिया जैसा स्मेल आ रहा है कुछ तो। जीरा पानी है क्या? जीरा? अरे आ रहा है। पी 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 कुछ मिला है क्या बोलना? हंस रहा है तू बहुत। जीरा पानी है? नहीं रे पी तू। टेस्ट आ रहा है? टेस्ट कैसे? खुशबू आ रहा है, स्मेल आ रहा है? टेस्ट नहीं आ रहा होगा। स्मेल आ रहा है? हाँ टेस्ट नहीं आ रहा है ना, नॉर्मल पानी लग रहा है। मैक्स वो बाल्टी में गया तो था। वो तभी हटा दिया था अंकल ने, तो हटा दिया था मैक्स को, नहीं पीने दिया था पानी। ये क्या है? अभी पी ले, कट कर। अगर कल तक जिंदा रहेगा तो देख लेना वो। तो ये रहा खारघर का एकदम फेमस पार्क। आई मीन खारघर और नवी मुंबई का एकदम फेमस पार्क, बहुत बड़ा है। तो अभी हम लोग ने एंटर किया पार्किंग एरिया, यहाँ पर गाड़ी लगाएंगे और गार्डन बहुत बड़ा है। तो ये जो पूरा है, ये पूरा पार्किंग एरिया है। पार्किंग भी हमें एकदम सही जगह पे मिला है और बहुत नज़दीक। तो ये रही हमारी गाड़ी और ये रहा एंट्री गेट। अंदर आते गेट के लेफ्ट साइड में टॉयलेट है, तो आते ही लोग फ्रेश हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों है, लेडीज और जेंट्स। यहाँ पर पूरा ग्रीनरी एरिया पूरा ओपन है। बच्चे लोगों का खेलने का गार्डन तो नहीं है, बट यहाँ पर ओपन गार्डन है, सब लोग खेल सकते हैं लाइक फुटबॉल क्रिकेट। और ये बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है। ये साइड सेंटर है, अभी हम लोग एकदम साइड में हैं। जैसे आप वहाँ से अंदर आते हो, अंदर आते ही ये रास्ते पे आओगे तो सामने आपको छोटा सा पॉन्ड मिलेगा जिसमें फाउंटेन भी है। तो यहाँ पर है फाउंटेन, ये आजकल चालू नहीं है शायद से, बट जब मैं आया था तो यहाँ पर बहुत अच्छा लाइटिंग्स थे, अच्छे से फाउंटेन से पानी उड़ता था, सब कुछ अच्छा था। बट लगता है कोरोना की वजह से सब कुछ बंद कर रखा है। और ये जो मेरे सामने दिख रहा है, ये देखिए कितना मस्त है। तो आप आओगे तो आपको पॉन्ड से पहले यहाँ पर फूड प्लाजा भी मिलेगा। तो ये फूड प्लाजा तो आज तक मैंने देखा नहीं है, यहाँ पर कुछ मिलता है ये ऐसा समझो ये बंद ही है। अब ये साइड चलते, ये साइड ना एक स्टेडियम जैसा है, फ्रंट साइड में शोज होते और यहाँ पर ऊपर लोग बैठ के देख सकते हैं। अब यहाँ तक अंदर गार्डन आ गए तो सोचा एक नॉर्मल सा छोटा सा वॉक कर ले, तो राकेश भी आएगा मेरे साथ। तो मैं राकेश को यहाँ से एकदम ऊपर तक लेके जाने वाला हूँ, यहाँ से पूरा ये गोल राउंड, फिर हम लोग एकदम लास्ट में ये साइड को उतरेंगे। यहाँ पर बैक साइड में भी काफ़ी अच्छा जगह है। चाय वाले भैया भी एकदम सही टाइम पे और सही जगह पे मिले,
तो हम लोग यहाँ पर बैठ के मस्त चाय पियेंगे और ये व्यू देखिए, वाव क्या मस्त व्यू है। चाय इतनी टेस्टी थी कि हम दोनों ने एक तो पी लिया था, सेकेंड टाइम भी वापस ले लिया, बट इस टाइम हमने हाफ ऑफ लिया है, तो हाफ मैंने हाफ राकेश ने। नीतू के साथ साथ राकेश को भी भूत चढ़ गया मोमोज खाने का, तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं मोमोज खाने। मैंने भी बहुत दिनों से नहीं खाया यहाँ का मोमोज, गाँव गया था तो खाने ही नहीं मिला, तो आज राकेश की वजह से मैं भी खा लूंगा मोमोज। अरे मैं खाया पहले भी ऑथेंटिक, सबसे बेस्ट हॉट मोमोज ये खा रहा था। इधर भी जो हॉट मोमोज आना पड़ेगा, अगर किसी को पूरे नवी मुंबई में मोमोज खाना है तो हॉट मोमोज आओ बेस्ट। देखिए कैसे झुक झुक के आ रहा है बट मोमोज खाना नहीं छोड़ रहा है, चुप चुप के खा रही है सर। मैंने दीदी को देखा तब मैं समझ गया, दीदी ऐसा झुक झुक के जा रही है नीचे। दे दिया ऑर्डर, हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं, आ जाओ यहाँ पे आओ ना हमारा खाने के लिए, आने वाले। हाँ आ जाओ आ जाओ। हमारा जस्ट मोमोज खा के हुआ और बाजू में शेक्स एंड शेक था, तो राकेश को मन किया कि यहाँ पर कुछ शेक पियेंगे, तो शेक के साथ हम लोग ने चिकन रोटी भी मंगाया। तब तक देखा तो नीतू भी आई है बाजू में, हुआ मुझे लगा नीतू मेरा व्लॉग देखकर मुझे बोलेगी कि चल जाते, बट आज पहले ही आ गए। मैंने इसे गलती से चिकन रोल बोला था बट ये चिकन बैदा रोल है। हम राइड पे तो नहीं गए बट ये जूते पे पैर दिया। अरे धो दूंगा, आज ही नहीं आ लिया क्या? हम राइड पे तो नहीं गए बट जो राइड पे हम लोग आज गए थे वो राइड से कम नहीं था, वो बहुत खतरनाक था। इसने तो इतना डेंजर चलाया, मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत टाइम बाद पीछे बैठ रहा हूँ। कुछ नहीं, 60 के ऊपर नहीं गया। नहीं 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 90 पे चला रहा था। पागल है क्या? पुलिस फाइन मारेगी कोई देखेगा तो। अभी ट्रीट राकेश के तरफ से रहेगा। क्या जोक मारता है ना, ये जोक एक नंबर है इसका। ये गाड़ी देखो भाई ने इतनी खर्चे किए, भाई का दो दो एड चलता है, सब पैसा किधर से आ रहा है? ये यूट्यूब का पैसा है। अभी नेक्स्ट इसमें इसका देखना टाइटल रहेगा, Bought this from YouTube money. Bought Ferrari from YouTube money.